नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा पूरे मुरादाबाद मंडल में पुरानी पेंशन बहाल को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 10 फरवरी को शुरू हुआ था और 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अब तक 20,000 पेंशनर्स ने पुरानी पेंशन को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मुरादाबाद की लोकल 5 शाखाओं द्वारा लगभग अब तक 20,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार ने ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से सिफारिश हेतु साइन किया है। मुरादाबाद मंडल की समस्त शाखाओं ने देहरादून से लेकर बालामऊ तक 1,00,000 से अधिक संख्या पार कर ली है। ये कार्यक्रम 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक निरंतर चलाया जाएगा और 21 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को ईमेल भेजा गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी ने पूरी अधिवेशन जो ERF का हुआ था वहाँ आह्वान किया था कि पुरानी पेंशन की जो मांग है उसको बहाल कराने का जो संकल्प है वो हमको पूरा करना है, और उसके उपलक्ष्य में JCM की मीटिंग हुई जिसमें ये तय हुआ कि सारी फेडरेशंस मिलकर ओल्ड पेंशन को बहाल कराने के लिए मुहिम चलाएंगे। उसी कड़ी में दिनांक 10 तारीख से लेकर 20 फरवरी तक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जितने भी हमारे उसका जोन है उन जोनों पर महामंत्री ने आदेश दिया कि हम लोग इसको लोगों के बीच जाएं और उस पर सिग्नेचर कराएं, और सिग्नेचर कराकर हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजने का काम करें, जिसमें पूरे भारतीय रेल के जितने भी हमारी रेलवे की यूनियंस हैं उसको 1 करोड़ से अधिक लोगों से साइन कराकर महामहिम को भेजने का काम करना है, जिसमें मुरादाबाद मंडल की हमारी 18 शाखाओं के जो पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार कर्मचारियों से मिलकर उसमें अभियान चला रहे हैं और सिग्नेचर करा रहे हैं, और साथ साथ उन बुद्धिजीवी वर्गों के बीच भी जाने का काम कर रहे हैं, या शादी हो, विवाह हो, या कहीं किसी क्षेत्र अन्य क्षेत्र में जाना है वहाँ पर जाकर लोगों को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गारंटेड पेंशन ओल्ड पेंशन कितनी कामगार है हमारे भविष्य के लिए, क्योंकि जो भी कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 40 साल की सेवा अपने कार्यकाल में देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका अधिकार बनता है कि उसको जो बुढ़ापा उसका सुरक्षित रहे, उसकी फैमिली जो है वो भी सुरक्षित रहकर अपने जीवन यापन कर सके। इसलिए न्यू पेंशन को हमें समाप्त करना है और ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए एक दबाव बनाना है केंद्र सरकार के ऊपर, और केंद्र सरकार को जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि ओल्ड पेंशन की कितनी आवश्यकता है तब तक हम लोग इस मुहिम को चलाने का काम करेंगे। यदि साथ साथ महामंत्री ने एक बात और भी कही है कि ओल्ड पेंशन यदि कामगार नहीं है तो जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उन लोगों को इसके लिए आप लोगों ने क्यों प्रोत्साहित किया रखा है, क्यों वो चला रहे हैं, उनकी भी समाप्त कीजिए। जब आप समाप्त नहीं कर सकते, अभी मैंने देखा है कि उत्तराखंड उसका उत्तराखंड में 120% उन्होंने सैलरी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है। इतनी सुविधाएं आप जो हैं उन लोगों को तो दे रहे हैं जिन लोगों को सिर्फ खाली नेतृत्व करना है, परंतु जिन लोगों को जिनका नेतृत्व करना है, इस देश को चलाना है, तमाम जो हमारे मिडिल वाले और आपका स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन लोगों को आप वंचित रखेंगे जिन्होंने अपनी 40 साल सेवा दी। तो इसलिए इन सब बातों को दिमाग में डालकर हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है। 21 तारीख के को हम महामहिम को यहाँ से हस्ताक्षर अभियान की कॉपियाँ जो हैं आप भेजने का काम करेंगे ईमेल के द्वारा, और साथ में आगे जो भविष्य में प्रोग्राम होंगे वो भी हम लोग स्टेप टू स्टेप करने का काम करेंगे। इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम लोग लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाएं, जन जागरण अभियान करें, मसाल जुलूस करें, उनको चेतना उनके अंदर जगाने का काम करें। जो लोग अभी सोए हुए हैं, जो नौजवान साथी हमारे हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी जगाने का काम करेंगे कि ओल्ड पेंशन कितने आवश्यक है हमारे बुढ़ापे के लिए। इसी सोच को लेकर अभी तक कितने भेज चुके हैं अगर बात करें तो? अभी तक हम लोगों ने 20,00,000 के लगभग पूरे मुरादाबाद मंडल में सिग्नेचर करवा लिए हैं, और भी हमारे साथी लगे पड़े क्योंकि आज दिनांक 17 है, 3 दिन हमारे पास शेष रहे हैं। हमने अपने शाखा सचिवों को और अपने मंडल पदाधिकारियों को भी इस बात के लिए सचेत किया है कि जो वर्ग छूट गया है उसके बीच भी जाकर ये काम करने का जो है प्रयास करेंगे। धन्यवाद।